हेलो, माय नेम इज़ रणवीर सिंह दलाल और आज इस वीडियो में बात करते हैं एक पोएम, क्लास 11th हॉर्नबिल बुक की। ये पोएम है, टाइटल है चाइल्डहुड, मार्कस नेटन की लिखी हुई है। बड़ी खूबसूरत पोएम है ये, जिसमें राइटर बचपन की बात करता है। ज़रूर बचपन बड़ा खुशनुमा रहा होगा, बड़ा सुखद रहा होगा उसके लिए, बड़ा प्लेजेंट रहा होगा। अब बड़ा हो गया है और राइटर सवाल उठाता है बचपन को लेकर कि वो खूबसूरत समय है, वो समय। अरे भाई, जब किसी मिस करते हैं किसी खास किसी भी चीज़ को, तभी तो उसके बारे में उसको याद करते हैं, सवाल उठाते हैं। तो राइटर बचपन को मिस कर रहा है और सवाल करता है। पहले ज़रा पोइम को पढ़ लेते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? Was it the time I realized that hell in heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? सेकेंड पैरा में फिर बात करते हैं, वही सवाल स्टेंजा के शुरू में पहली लाइन में उठाते हैं। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? तीसरे में फिर बात करते हैं, When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I choose, brought thoughts that were not those of other people, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? अब लास्ट में, लास्ट स्टेंजा में चेंज हो जाती है टोन, अंदाज कुछ अलग तरह का है। लाइनें भी कम हो जाती हैं, चार लाइन का छोटा स्टेंजा है लास्ट। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? और आंसर भी देते हैं, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। तो अब समझते हैं एक एक करके स्टेंजाज को। प्रश्न करता है राइटर, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? पहले स्टेंजा में कहाँ चला गया मेरा बचपन? और आंसर भी देते हैं, लेकिन प्रश्न के तौर पर, बहुत निश्चित नहीं है, अपने पाठकों से प्रश्न ही कर रहे हैं इसी अंदाज में। कहाँ चला गया बचपन? बहुत यकीन नहीं है, आंसर की तलाश कर रहे हैं। वॉज इट द डे, पहले कहते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब चला गया? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? तब चला गया जब मैं 11 साल क्रॉस कर गया था, मेरी उम्र 11 से ऊपर चली गई थी, तो बचपन ख़त्म हो गया था क्या? जैसे हम टेक्निकली बात करते हैं कि फिर 11 के बाद शुरू होती है एडोलेसेंस या टीनेज, तो क्या तब चला गया था मेरा बचपन जब मैं 11 साल की दहलीज को पार कर गया था, उम्र को पार कर गया था? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल इन हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड देयर फोर कुड नॉट बी? वॉज दैट द डे? ये वो दिन था, ये वो समय था जब मुझे एहसास हुआ कि स्वर्ग और नरक है नहीं कहीं भी इस धरती पर, क्योंकि क्योंकि वो ज्योग्राफी में नहीं है, वो मैप पे कभी टीचर ने कभी बताया नहीं है। और अगर मैप पे नहीं है, ज्योग्राफी में नहीं है इस धरती पे, तो असल में भी कहीं नहीं है। इस बात का एहसास जब मुझे हुआ, तो क्या तब बचपन चला गया था? जैसे कि नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई बचपन का मतलब, ये बच्चे यकीन कर लेते हैं इस तरह की बातों पे कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करने वालों को नरक मिलता है। कहानियाँ बड़े बूढ़े सुनाया करते हैं बच्चों को, तो वो यकीन कर लेते हैं स्वर्ग और नरक की इस अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट को, इस अजम्पशन को। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, तो एक स्टेज आती है जब उन्हें लगता है कि भाई ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, लेसन पढ़ाया जा रहा है, टीचर बता रहा है कि ये दुनिया का नक्शा है, यहाँ फलाना 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 देश है, ये अलग अलग तरह से, और उसमें कहीं हेल और हेवन का कहीं जिक्र नहीं है, तो बच्चा मानने लगता है, उसे पता लग जाता है वो कि भाई स्वर्ग और नरक तो कहीं है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि मैप पे नहीं है, धरती पे। तो इतनी समझ जब मुझे आ गई थी, क्या तब मेरा बचपन चला गया था? जब मैं इस मासूमियत से बाहर निकल गया था, इस परी कथा वाली स्टेज से बाहर निकल गया था, क्या तब चला गया था बचपन? 11 साल की उम्र के करीब जब मैं इस तरह से, मेरा इस तरह की एक मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट इस स्टेज तक हो गया था, क्या वो दिन था? सेकंड स्टेंजा में बात करते हैं।
व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, फिर से वही प्रश्न, कब चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, क्या ये वो समय था जब मुझे एहसास हो गया? अच्छा, थोड़े जैसे बचपन में 11 साल की उम्र की बात करी कि उस समय जो है इतना ज्योग्राफी, इतनी समझ आ गई सब्जेक्ट्स की कि जो ज्योग्राफी में नहीं है, मैप पे नहीं है, वो जगह कहीं इस दुनिया में है नहीं, वो बात समझ आ गई तब। क्या तब चला गया था बचपन? अब उससे और ऊपर उठते हैं, 11 साल की स्टेज से ऊपर आके जब थोड़ा और बड़े हो जाते हैं और चीज़ों को समझने लगते हैं। 11 साल की उम्र में तो जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उस तरह की बात को हम मानने समझने लगते हैं, लेकिन और बड़े होने पर हमें कुछ और बातों को हम जज करने, किताबों के अलावा भी हम सोसाइटी को जज करते हैं, लोगों को जज करते हैं, किस तरह की बात वो करते हैं। तो कब चला गया था मेरा बचपन? सेकंड में बात करते, क्या तब जब मुझे एहसास हुआ कि जो अडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, वो जैसे दिखते हैं, जैसी बात करते हैं, वैसे हैं नहीं, असलियत कुछ और है? जब मुझे इस डबल स्टैंडर्ड का पता लग गया था कि वो बात करते हैं प्यार की, प्रीच करते हैं लव, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उपदेश देते हैं, भाषण देते हैं, समझाते हैं, प्यार भरी बातें, अच्छी आदर्श भरी बातें करते हैं, लेकिन असल में उनके जो एक्ट हैं, उनके जो काम हैं, कर्म जो उनके हैं, वो इतने प्यारे नहीं होते, बातें बहुत प्यारी होती। तो जब मुझे इस दोहरेपन का एहसास हुआ, इस डबल स्टैंडर्ड का एहसास हुआ, इस हिपोक्रेसी का एहसास हुआ, इस पाखंड का एहसास हुआ, क्या तब मेरा बचपन चला गया था? वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था जब इतनी समझ मेरे अंदर आ गई थी? तो ये प्रश्न जो है सेकंड स्टेंजा में उसने उठाया। अच्छा, और आगे चलते हैं तीसरे स्टेंजा में। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कब चला गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वॉज रियली माइन। अब तीसरे स्टेंजा में वो और आगे की स्टेज की बात करते हैं, जब और बड़ा हुआ बच्चा, जब उसे अपनी एक एक अलग पर्सनालिटी, उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होने लगी, फ्री थिंकिंग डेवलप होने लगी, वो एक इंडिविजुअल का रूप धारण करने लगा, एक स्वतंत्रता की फीलिंग उसमें आने लगी। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वॉज रियली माइंड, क्या तब चला गया था जब मुझे पता लगा कि मेरा माइंड मेरा अपना ही है? टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ऑन एंड माइन अलोन, वॉज दैट डे, क्या ये वो दिन था जब मैं इतनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने लगा था, स्वतंत्र रूप से सोचने लगा, मेरी अपनी पर्सनैलिटी, मेरी अपनी समझ डिवेलप हो गई थी, औरों से अलग हट के मैं ऐसे विचार प्रोड्यूस करने लगा था, ऐसे थाट्स जो औरों के नहीं थे बल्कि मेरे थे और सिर्फ मेरे थे। क्या तब असल में बचपन चला गया था जब इंडिपेंडेंटली सोचने लगा, स्वतंत्र रूप से सोचने लगा, फ्री थिंकिंग करने लगा, और मैं एक 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 अलग यूनिक पर्सनालिटी बन गया, एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक आइडेंटिटी मेरी अपनी बन गई थी, क्या तब बचपन चला गया था? तो यहाँ इस तरह से ग्रेजुअली जो है तीनों स्टैंजाज में एक डिवेलपमेंट है पोएम में, डिवेलपमेंट, इस पर गौर करना है। तो इस तरह से वो बात करते हैं। पहले अगर हम स्टेंजा की बात करें तो उसमें रैशनलिज्म की बात करते हैं, सेकंड में हिपोक्रेसी की बात करते हैं, और थर्ड में इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, और अब चौथा स्टेंजा जिसमें टोन चेंज हो जाती है, अंदाज चेंज हो जाता है पोएट का। पहले वो व्हेन डिड माय, इस तरह इस व्हेन डिड माय चाइल्डहुड को, ये तीनों स्टेंजाज की पहली लाइन थी, लेकिन चौथे स्टेंजा में लाइन बदल गई है और इसका टेनर भी बदल गया है, इसका भाव भी बदल गया है, इसका अंदाज भी कुछ अलग हो गया है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहाँ चला गया, कब चला गया, वो बात तो होगी लेकिन गया कहाँ? अब कहता है राइटर, पोएट कहते हैं, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। यहाँ पर एक एक निश्चितता नजर आती है, यहाँ पे फिर प्रश्न के माध्यम से प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ रहे हैं, प्रश्न किया पहली लाइन में और जवाब ही दे दिया कि ये चला गया है, अब उन्हें थोड़ा यकीन है। पहले ये पक्का नहीं कह सकते कि कब गया, कौन कौन सी बातें हैं जो बचपन के चले जाने में और एक मेच्योर पर्सनालिटी के बन जाने में, बड़े बन जाने में शामिल हैं, उसको लेकर इतना आश्वस्त नहीं है,
लेकिन ये है कि चला गया, और कहाँ चला गया, कहाँ वो दोबारा देख पाएगा अपने बचपन को, खुद तो नहीं, कभी वो स्टेज अब वापस आएगी उसके बचपन की, जो चला गया तो चला गया, लेकिन वो देख पाएगा अगर अपने बचपन को देखना ही चाहता है तो किसी बच्चे के, मासूम बच्चे के चेहरे में उसे फिर से नज़र आएगा अपना बचपन, अगर वो सचमुच बचपन को इतना मिस करता है और देखना चाहता है तो। इस तरह से बचपन उसका चला गया, लेकिन बचपन तो आते रहेंगे, बच्चों में वो बचपन हम देखते रहेंगे, ऐसी कुछ फीलिंग है इसमें। लास्ट स्टेंजा में, वेयर डिड माई चाइल्ड हुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये चला गया है किसी भूली बिसरी जगह, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि छिपी है किसी बच्चे के चेहरे में, छोटे बच्चे के, मासूम बच्चे के चेहरे में। दैट्स ऑल आई नो, बस इतना ही मुझे पता है कि बचपन चला गया है, और अब मुझे अगर ये देखना है तो ये किसी बच्चे, मासूम बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ मुझे नज़र आएगा। तो इस तरह से जो है वो बचपन को लेकर उसने सवाल उठाए हैं इस पोएम में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी, एंड इफ दैट इज़ द केस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो लीव योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।